उत्तर प्रदेश की ये धरती काफी जोशीली है। हालांकि सपा के वक्त से हम काफी देर चल रहे हैं, लेकिन इतने ढीले ढीले और कमजोर दिखाई दोगे तो हमें बोलने का मजा नहीं आएगा और आने वाला दिन हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहले तो मैं जय जवान बोलूंगा, तो हाथ ऊपर करके थोड़ा जोश के साथ, थोड़ा उत्साह के साथ जय किसान बोल दीजिएगा, ताकि लखनऊ वालों और दिल्ली वालों को पता चले कि सुल्तानपुर का किसान अब जागृत हो गया और बोलने लगा है। जय जवान, जय जवान, जय जवान। सुल्तानपुर लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे नौजवान किसान, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समय 6 बजे का था और हम आपके बीच में उपस्थित हुए 8:30 बजे। आप भी सोचते होंगे कि चुनाव का माहौल है, थोड़ा देरी हो जाती है, लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत उल्टा है कि जयसिंहपुर से आते आते रास्ता ही इतना खराब था कि लेट हो गए आने में। पहले तो जब डॉक्टर संजय सिंह जी आपके आशीर्वाद से जीत के जाएंगे तो सबसे पहले रास्ता अच्छा करवाएंगे ताकि लोग वक्त पे आ सके। दोस्तों, चुनाव का माहौल है, सारी पार्टियां चुनाव के प्रचार में व्यस्त भी है, लेकिन इस सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र इस चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण और मुझे लगता है कि दिल्ली में जाके इसकी काफी चर्चाएं भी होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कृष्ण ने इस सुल्तानपुर नगरी को बसाया था और आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से कहा भगवान राम पर राजनीति होती है, जवानों पर राजनीति होती है और कई बार 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे उस पर भी राजनीति हो गई। लेकिन पिछले 32 सालों से ना भगवान राम का मंदिर बना, ना हमारे देश के जवान सुरक्षित रहे और ना हमारे खाते में 15-15 लाख रुपए आए। 2014 में गुजरात से एक व्यक्ति जब मां गंगा ने मुझे बुलाया है कहकर बनारस आए थे, तो आप लोगों को गुजरात मॉडल का चश्मा गजब का दिखाया था, उल्टा फुल्टा दिखा दिया था और आप लोगों को भी लगा था कि सच में गुजरात मॉडल काफी अच्छा है, काफी बेहतरीन है, चलिए एक बार मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बना देते ताकि हमारा सुल्तानपुर और हमारा यूपी भी गुजरात मॉडल जैसा बन जाए। लेकिन आप सब लोग गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद देखकर चले गए होंगे, गुजरात के गांवों में नहीं आए होंगे, जहां पर आज भी पीने के और सिंचाई के पानी के लिए कहीं ना कहीं वहां का किसान जूझ रहा है। पिछले 5 सालों में 5,000 से भी अधिक किसानों ने गुजरात में आत्महत्या कर ली, वही किसान का बेटा यानी कि मजदूर का बेटा गुजरात में 55 लाख से ज्यादा नौजवान आज बेरोजगार है। दोस्तों, यही सारी बात कहने के लिए मैं गुजरात से आप लोगों के बीच में आया हूं। लगभग 12 बजे के बाद मैं और डॉक्टर संजय सिंह जी साथ हैं। मैंने सुल्तानपुर के बारे में समझने का और जानने का पूरा प्रयास किया और 2009 से 14 तक सुल्तानपुर की जनता के लिए, सुल्तानपुर के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गांव गांव की समस्याओं के लिए दिल्ली में जाकर जिस तरह से डॉक्टर संजय सिंह जी ने काम किया है, उस काम बिल्कुल यहां की जनता के लिए सराहनीय है। लेकिन 2014 से 19 के बीच जो यहां के आपके सांसद थे, उन सांसद ने कोई काम नहीं किया, ना किसानों का काम किया, ना नौजवानों के बारे में सोचा, ना यहां के विकास के बारे में सोचा। और जब उनको लगा कि 2019 में मैं यहां से चुनाव नहीं जीत सकता, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने यहां से कहीं ना कहीं अपना ट्रांसफर करवाने का काम किया और उनकी माताजी को यहां चुनाव लड़वाने का दोस्तों भाजपा ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। लेकिन
यहां के लोगों से जिस तरह से मैं मिल रहा हूं, यहां के लोगों को जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, यहां के लोगों ने बिल्कुल तय किया है कि इस बार हमें ऐसी पार्टी को वोट देना है, इस बार हमें ऐसी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है जिस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए काम किया हो, जिस पार्टी ने इस देश की आजादी के बाद इस देश को विकास के मार्गों पर, विकास के पथ पे लाने का काम किया हो। इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताना है, डॉक्टर संजय सिंह को जिताना है, ये यहां की जनता का दोस्त इस बार फैसला। मैं सुबह दिल्ली से लखनऊ आया था और लखनऊ हवाई अड्डे पर जब हम 20 मिनट 25 मिनट बैठे थे तो उत्तर प्रदेश का जो पूरा चुनावी माहौल क्या है, कौन जीतेगा, कितनी सीटें कितनी आएगी, उन सारा रिपोर्ट लेकर कुछ पुलिस अधिकारी और आईबी के अधिकारी दिल्ली जा रहे थे। उसमें से कुछ अधिकारी ने हमें देख लिया तो स्वाभाविक तौर पे वो मेरी इंक्वायरी करने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा, कहां जा रहे हैं हार्दिक भाई? मैंने कहा बस यहां पर सुल्तानपुर में एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहा हूं। तो बोले वहां तो डॉक्टर संजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा हाँ वही चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा क्या मामला है पूरे उत्तर प्रदेश में, कौन कितने सीट जीतेगा? तो उन्होंने बड़े स्पष्ट और बड़ी ईमानदारी से कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 20 सीट से भी ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, 20 सीट में वो निपटने वाली है। और जहां आप जा रहे हैं सुल्तानपुर में तो डॉक्टर संजय सिंह जी लास्ट बार 1 लाख वोटों से जीते थे 2009 में, इस बार कम से कम 1.25 लाख से ऊपर वो जीतने वाले हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैं वही बात आपको कहने के लिए आया हूं कि इनकी जीत में भी आपकी भागीदारी होनी चाहिए और इसीलिए इस 12 तारीख को आपको सबसे पहले जाकर वोट कांग्रेस पार्टी को करना है, आपके गांव में भी जाके कहना है, आपके रिश्तेदार में भी कहना है कि इस बार हमें सिर्फ 1.25 लाख नहीं लेकिन 2 लाख वोटों से डॉक्टर संजय सिंह को यहां से जिताकर दिल्ली भेजना है। दोस्तों सुल्तानपुर में काफी समस्या है यहां की जनता के लिए, गन्ना किसानों के बारे में हो, हमारे बच्चों की अच्छी और सस्ती शिक्षा के बारे में हो, अगर कोई बेचारी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो, सरकारी अस्पताल में मेडिकल अफसर नहीं मिलता, एम्बुलेंस तत्कालीन नहीं मिलती, इन सारी समस्याओं को लेकर अगली सरकार जब कांग्रेस पार्टी की बनती है तो उन्हीं कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुझे भरोसा है कि सरकार बनते ही आप ही के क्षेत्र से विजेता हुए डॉक्टर संजय सिंह सरकार में मिनिस्टर भी बन सकते हैं और मिनिस्टर बनने के बाद वो यहां की जनता के लिए काफी अच्छी तरह से काम भी कर सकते हैं और समस्या का समाधान भी दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों जब हम छोटे थे तब हमारे पापा गुजरात से ईंट लेकर आते थे अयोध्या में, वो कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे। हालांकि उस टाइम हमारे पापा भी थोड़ी बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। आज भी हम कई बार हमारे पापा से हंसी मजाक में पूछ लेते हैं पापा राम मंदिर कब बनेगा, तो पापा भी कई बार मुझे कहते कि अभी मुझे ऊपर वालों ने बताया नहीं, जब बता देंगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा। एक बात ये इसलिए कह रहा हूं मैं आपको कि जो भाजपा पिछले 32 साल से अयोध्या के राजा भगवान राम को भी अगर मूर्ख बनाने का काम कर सकते हैं तो आप सोचिए कि सुल्तानपुर की जनता को इन भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से मूर्ख बनाने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। और ये तो कुश के द्वारा बसाई हुई धरती है दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों को कहने के लिए आया हूं कि इस बार हमें ना राष्ट्रवाद के नाम पर ना हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन इस बार अगर हमें वोट करना है तो किसानों की फसल के सही दाम पर, किसानों के गन्ने के सही दाम पर, अपने बच्चों को अच्छी रोजगार के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए और मां सरस्वती की अच्छी शिक्षा के लिए इस बार वोट करना है। और यहां से एक ऐसे व्यक्ति को जिताकर भेजना है जो पढ़ा लिखा भी है और हमारी समस्या को समझ भी सकता है। इसीलिए दोस्तों इस सुल्तानपुर की धरती से मैं आप लोगों से विनती और आह्वान के लिए आया हूं, गुजरात से 2000 किलोमीटर चलकर आप लोगों के पास आया हूं कि हमने तो पिछले 25 साल से इन लोगों को सहन किया है, लेकिन 2019 सिर्फ 5 साल में आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये लोग कैसे हैं, कैसे लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। ना 15 लाख रुपए खाते में आया, ना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई, ना 2 करोड़ रोजगार मिला, ना दाऊद वापिस आया, ना कालाधन वापिस आया, ना राम मंदिर बना। इन सारे मुद्दों पर दोस्तों हम लोगों को जागृत होकर बोलने की और समझने की जरूरत है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के किसानों को गरीब बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के
द्वारा बनाए गए संविधान को खत्म करना चाहती है और आप और हमें तय करना है कि हमें कौन सा संविधान इस देश में रखना है, वही संविधान जो हमें भाईचारा बनाए रखता है, जो हमें प्यार और कहीं ना कहीं एकता में विश्वास रखता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के भाईचारों को दोस्तों हमें सही सलामत रखने की जरूरत है। दोस्तों कल से टीवी में चल रहा है कि आतंकी मसूद अजहर को राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर लिया और कई मीडिया वाले भी हमें सवाल करते हैं। हमने एक मीडिया वाले ने सवाल किया कि इसमें भी बीजेपी की जीत है कि मजदूर मसूद अजहर को राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया। मैंने उनको कहा है और आप भी जानते होंगे कि जब बालाकोट में 200 आतंकियों को मार गिराया तब कुछ मीडिया ये चला रही थी कि इसमें मसूद अजहर भी मारा गया है तो ये राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कहां से कर दिया। वो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, ये समझने की हमें जरूरत है। और आप लोग समझ सकते हैं कि कल भी महाराष्ट्र के अंदर हमारे 15 जवान शहीद हो चुके हैं। क्या हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेगी और हमारे देश का जवान इस देश की सुरक्षा के तहत अपनी जान दे रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री इस देश के नौजवानों को रोजगार दे सके, देश के किसानों को मजबूत कर सके। हमें चौकीदार की जरूरत नहीं है, अगर चौकीदार लाना होगा तो नेपाल से ढूंढ लाएंगे। हमें प्रधानमंत्री की जरूरत है। और दोस्तों चौकीदार किसान के खेत में नहीं होता, चौकीदार अदानी और अंबानी के घर पे होता है। हमारी खेत में आवारा पशु जब घुस जाते उसको रोकने के लिए तार फेंसिंग की सुविधा करवा दीजिए, हमें चौकीदार की जरूरत नहीं है। बस इन सारे मुद्दों के साथ हमें सरकार से दोस्तों सवाल करने की जरूरत है। और आप सब लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले उन्नाव के अंदर एक छोटी बच्ची के साथ जब बलात्कार की घटना हुई तब उस बलात्कार की घटना में भाजपा का विधायक शामिल था। दोस्तों जब बुंदेल शहर के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई उस हत्याकांड में भी भाजपा के नेताओं की हाजिरी उपस्थित थी। दोस्तों आपको समझने की जरूरत है कि हम कहां और कैसे जा रहे हैं। यहां पर सब धर्म सब जमात के लोग हैं। मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, गुजरात में संजय सिंह जी कई बार भाजपा के लोग कहते हैं कि देखिए जब से हमारा शासन आया है गुजरात में कहीं हिंसाएं नहीं होती, कहीं झगड़े नहीं होते, और देखिए जब हमारा शासन नहीं था तो गुजरात में दंगे होते थे, झगड़े होते थे। और आज भी योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले यह स्टेटमेंट दिया कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, अब हमारी सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि अगर दोस्तों दंगाई खुद सत्ते में आ जाती है तो दंगा कैसे होता है वो हमें समझने की जरूरत है। आज वो सरकार में तो दंगा कहां से करेंगे, जब सरकार में नहीं थे तो दंगा ही करके लोगों को झगड़ाने का, लोगों को मरवाने का काम करते थे दोस्तों। और एक बात समझने की जरूरत है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुरा तो वो लोग है जो लखनऊ और दिल्ली में जाकर बैठ गए हैं। इसीलिए आप लोगों को यह कहने के लिए आया हूं कि ना हमें धर्म के नाम पर लड़ने की जरूरत है, ना जात के नाम पर लड़ने की जरूरत है। अगर हमें लड़ना है तो सरकार से लड़ना है कि हम किसानों को मजबूत करो, हमारे बच्चे को रोजगार दो, हमारी महिलाओं की सुरक्षा करो। बस इसी बात को कहने के लिए गुजरात से आप लोगों के बीच में आया। इसी बात के साथ हम आप लोगों के मिलने का जो मुझे मौका मिला है इसलिए पूरी ब्लॉक कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। और आप लोगों से मिलने का जो मुझे मौका मिला मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बार आऊंगा चुनाव जीतने के बाद तो पूरा दिन आप लोगों के बीच में रहूंगा, आप लोगों के बीच में खाना भी खाऊंगा, आप लोगों के बीच में यहाँ की समस्याओं को ज्यादा समझने का प्रयास करूंगा। बस इसी बात के साथ जय हिंद जय जवान।